जय हिंद बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट ऑफ लेंथ। और यूनिट ऑफ लेंथ जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, बुक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, मीटर, किलोमीटर, आपने सेंटीमीटर के बारे में पढ़ा होगा क्योंकि लेंथ मेजर करने के लिए यही यूज किए जाते हैं। लेकिन जब हम यूनिट ऑफ लेंथ की बात करेंगे, स्पेशली जब साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमें हमेशा ऑथेंटिक बात करनी चाहिए होती है। ऑथेंटिक का मतलब ये होता है कि ऐसी बात हम करें जो कि पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्शन, मतलब हम कह सकते हैं जो एक्सेप्टेबल हो। तो इसको अगर हम बात करें कि यूनिट ऑफ लेंथ की क्या बात क्या चीज होता है, तो इसके लिए जो इंटरनेशनल सिस्टम है जिसको हम एसआई यूनिट बोलते हैं, सिस्टम डी इंटरनेशनल, उसने डिफाइन किया कि जो यूनिट ऑफ लेंथ होती है वो एक फिक्स डिस्टेंस होती है। अब वो फिक्स डिस्टेंस कितनी होती है वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यूनिट ऑफ लेंथ जो होती है, जिसकी एसआई यूनिट जो मतलब सिस्टम डी इंटरनेशनल ने बताई, वो होती है मीटर। लेकिन ये जो डिस्टेंस थी ये कैसे बता दी गई, क्योंकि एक मीटर तो हम सभी के पास होता है कि मीटर पे माना हम नाप ले कि एक मीटर इतना होता है। लेकिन ये एट जो ये जो डिस्टेंस होती है ये कैसे बताई गई, कोई फिक्स तो वैल्यू रही होगी कि मतलब इतना होगा तो ही वन मीटर मानेंगे, वरना एक मीटर तो कोई भी अपने हिसाब से कर ले। हम किसी देश में जाओ और एक मीटर कोई कितने भी डिस्टेंस ले सकता है, लेकिन ये कैसे फिक्स किया गया कि एक मीटर की डिस्टेंस कितनी होगी। तो इसके लिए सिस्टम डी इंटरनेशनल ने, जो उनके साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सर्वसम्मति बनाई और उन्होंने बताया कि अगर हम क्रिप्टॉन 86 की बात करें, इसकी क्रिप्टॉन 86 की बात करें, तो क्रिप्टॉन 86 की जो वेवलेंथ होती है ना, जो वेव्स होती हैं, इतनी वेव्स जो होती हैं, ये जितने डिस्टेंस में आ जाएंगी, मतलब 1650 763 इतनी जो वेव्स होती हैं, इतनी वेव्स जितने डिस्टेंस में आ जाएंगी, उस डिस्टेंस को हम 1 मीटर मानेंगे। तो ये जो था, ये क्रिप्टॉन 86 की जो वेव्स होती हैं, जो यहाँ पे जब उनकी वेव्स निकलती हैं, तो ये जो वेव्स होती है इतनी अगर है और ये जितने डिस्टेंस में आ जाती है, उसके डिस्टेंस को जब मेजर किया गया तो वो जो मेजर था उसको उन्होंने नाम दे दिया कि इसको ही हम क्या कहेंगे, 1 मीटर कहेंगे। मतलब अगर हम यहां से वेव्स निकलती प्रोडेसिसी, तो इतनी वेव्स जो इसके अंदर होंगी 1, 2, 3 और इतनी अगर हम गिने, तो ये जितने डिस्टेंस में आ गई होंगी उतने को हम क्या कहेंगे, 1 मीटर कहेंगे। और इस तरीके से सिस्टम डी इंटरनेशनल ने ये बताया कि इतने वेव्स की डिस्टेंस, इतने वेव्स जो होती है अगर ये डिस्टेंस कवर करती है, तो जो भी डिस्टेंस होगी उसे 1 मीटर कहा जाएगा। और तब से ही 1 मीटर की एक फिक्स वैल्यू हो गई। और पूरे वर्ल्ड में जो डिस्टेंस वो थी, वो प्लेटिनम इरिडियम की एक मेटल से रख दी गई है एक प्रयोगशाला में, वहां पे से यहाँ पे जो सिस्टम डी इंटरनेशनल है, और उस लेंथ को ही तब से हम क्या कहते हैं, 1 मीटर कहते हैं। लेकिन जो डिस्टेंस की यूनिट होती है वो एसआई यूनिट क्या होती है, यहाँ पर लेंथ होती मीटर होती है, लेकिन इसकी डिस्टेंस को मेजर करने की जो अलग अलग डिस्टेंस होती है, जैसे कि हम बात कर लें कि यहां से अगर हम किसी विदेश में जा रहे हैं तो उसको हम मीटर में नहीं, मीटर में एक्सप्रेस जरूर कर सकते हैं, लेकिन जनरल उसे किलोमीटर में आप मेजर करते हैं कि हाँ पर्टिकुलर वो जो प्लेस है वो यहाँ से कितने किलोमीटर डिस्टेंस पे है, और हम उसे किलोमीटर मेजर कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हमसे जो हमारा जो चांद है वो कितनी दूर है, हमारा जो मून है वो कितनी डिस्टेंस पर है, सन कितनी डिस्टेंस पर है, तो ये जो डिस्टेंस होती है ये बहुत ही बड़ी डिस्टेंस होती है। और इन डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग यूनिट का यूज करना पड़ता है, क्योंकि किलोमीटर या मीटर में एक्सप्रेस करने में बहुत बड़ी नंबर्स हो जाते हैं। तो ऐसे डिस्टेंस को हम जनरली किलोमीटर या मेगामीटर में चेंज कर देते हैं। लेकिन हम यहां सबसे शुरू करते हैं, सबसे छोटी सी वैल्यू जो होती है। तो क्या होता है, सबसे छोटा जो एटम होता है ना, एटम मान लीजिए कि ये आपका एटम है, और एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, या फिर हम मान लेंगे ये पूरा न्यूक्लियस है और ये पूरा एटम है, तो न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो सबसे छोटी रेडियस सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, और ये होती है 10^-15 मीटर ऑर्डर की होती है। और ये जो डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस की, उसके जो बाहरी मतलब जो न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है उसको हम बोलते हैं फर्मी, क्या बोलते हैं, 1F। और ये जो डिस्टेंस होती है 10^-15 मीटर होती है। इसके बाद अगर हम थोड़ी और बात करें तो 1 मीटर को आप जानते हैं 1 मीटर कितना होता है। इसके बाद आप अगर इससे बड़ी डिस्टेंस लेते हैं तो आप किलोमीटर लेते हैं, क्या लेते हैं, किलोमीटर लेते हैं। और इससे बड़ी डिस्टेंस अगर आपको करनी हो तो किलोमीटर में ही हम उतनी बड़ी डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं। लेकिन अगर हमें ये फाइंड करना है कि
जो सन है और सन से लेकर जो अर्थ के बीच की डिस्टेंस है तो वो कितनी होती है, या फिर हम ये कहें कि जो ये हमारा सन है और जो दूसरे गैलेक्सी में जो मतलब जो दूसरा गैलेक्सी में जो दूसरा स्टार है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक यूज करना पड़ता है वह जिसे हम बोलते हैं लाइट ईयर। क्या बोलते हैं इसे, लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष कहते हैं, प्रकाश वर्ष। अब क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो लाइट होती है उसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो लाइट जो होती है वो 1 सेकेंड में कितने, 1 सेकेंड में चलती है 3 लाख 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर हम अर्थ पे बात करें तो 3 लाख किलोमीटर हम शायद अर्थ पे नहीं पूरा कर पाएंगे, अगर हम डायमीटर भी पूरा घूम लेंगे तो 3 लाख किलोमीटर कंप्लीट नहीं होगा। तो 1 सेकेंड में लाइट जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जाती है। अब 1 सेकेंड में अगर लाइट 3 लाख किलोमीटर जा रही है तो 60 सेकेंड में कितनी जाएगी, है ना, 60 सेकेंड में कितनी जाएगी। अब ये जो 60 सेकेंड होता है इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ये जो वैल्यूज है इसके अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वन लाइट ईयर के अंदर हम बात करते हैं कि जो लाइट की स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट सी इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये 1 सेकेंड की बात है, और इसी प्रकार हम अगर ये 60 का मल्टीप्लीकेशन करते तो 60 सेकेंड में लाइट कितनी डिस्टेंस पर जा रही है, फिर 60 सेकेंड में अगर इतनी डिस्टेंस पर जा रही है तो 1 मिनट हुआ, वो कितना हुआ, ये 1 मिनट हुआ। तो 60 मिनट में कितने डिस्टेंस तक जाएगी लाइट, 60 मिनट मतलब 1 आवर। अब ये जो 1 आवर होता है ये कितने, 24 आवर मिला के क्या हो जाता है, 1 डे। 24 H मिला के क्या होता है, 1 डे हो जाता है। तो 1 डे में लाइट कितनी जाएगी, तो 1 सेकंड में इतनी जाती है, तो 60 का मल्टीप्लीकेशन करने पर 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस पे जाएगी वो पता चलेगा। और 1 मिनट के बाद अगर हम उसके अंदर 60 का मल्टीप्लीकेशन कर दे तो हमें ये पता चलेगा कि 1 आवर में वो कितने डिस्टेंस पर जाएगी। 1 आवर का अगर हमारे पास आ गया तो फिर उसके अंदर 24 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, आपको पता चलेगा 1 डे में वो कितने डिस्टेंस पर जाएगी। और जब हमें 1 डे पता चल जाता है तो उसके अंदर 365 का मल्टीप्लीकेशन करने पर हमें ये प्राप्त होता है कि जो 1 ईयर होगा वो लाइट कहां पर जाएगी। मतलब यहां पर अगर हम 1 लाइट ईयर की बात करें तो यहां पर हम करते हैं C 365, और 365 24 डेज से मिलकर बना होता है। 24 डेज में ईच डे जो होता है वो 1 आवर से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर 60 मिनट्स होते हैं, वो 60 मिनट्स के अंदर ईच जो मिनट्स होता है वो 60 सेकेंड एक्वायर्ड करता है। और इस तरीके से जब हम इन सब का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं 9.46 × 10⁵ मीटर। क्या होता है, 15 मीटर। अब ये जो डिस्टेंस होती है इस डिस्टेंस पर लाइट 1 ईयर में जाती है, मतलब 1 साल में लाइट 3 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलते हुए 1 ईयर के बाद जहां पर पहुंचती है उसे हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे सबसे पास की जो दूसरी गैलेक्सी है, जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, सबसे पास की, वो हमसे कितने लाइट ईयर डिस्टेंस पर है, 4000 लाइट ईयर डिस्टेंस पर है। 4000 लाइट ईयर डिस्टेंस पर है, मतलब 4000 सालों तक अगर लाइट ऐसे ही चलती रहे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से तो वो जहां पर पहुंचेगी वहां पर हमारे सबसे पास की गैलेक्सी है, और उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और एंड्रोमेडा गैलेक्सी को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, मतलब वहां पे पहुंचना चाहें, तो हम कभी भी नहीं पहुंच सकते क्योंकि लाइट की स्पीड से कुछ भी तेज चलता नहीं है। और ये जो गैलेक्सियां हैं वो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। तो जैसे ही आप उसके पास जाएंगे वो और दूर चली गई हुई होती है। और आज भी जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमें दिखाई दे रही है, वो जो लाइट हमें वहां से मिल रही है वो एक्चुअली 4000 साल पहले वहां से चली थी जो हमारे पास पहुंची है। मतलब आज जो स्थिति में हम देख रहे हैं वो 4000 साल पहले की स्थिति है। मतलब हम BC की बात करें, जब हमारे यहाँ सिविलाइजेशन चल रहा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उससे पहले की बात अगर हम करते हैं तो तब से वो लाइटें क्या हो रही है, जली हुई है, और आज जो हम देख रहे हैं वो वहां की कंडीशन बता रही है। तो ये जो होता है 1 लाइट ईयर क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है, यूनिट ऑफ लेंथ होता है, जो कि 1 साल में लाइट ट्रेवल करती है। अब इसके बाद हम ये कहें कि ये इतनी बड़ी डिस्टेंस, 1 लाइट ईयर कितनी बड़ी डिस्टेंस होती है ना, मतलब 1 साल में जितनी दूर तक जाएगी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये अभी भी सबसे बड़ा यूनिट नहीं है, ये सबसे बड़ी यूनिट नहीं है लाइट की, है ना। और इसके लिए क्या वैल्यूज है वो मैं आपको
आगे बताता हूं। तो अब क्या होता है, वन लाइट ईयर कितना होता है, वन लाइट ईयर ये सबसे बड़ी दूरी नहीं है, इसके बाद जो होगी वो हम बताएंगे, लेकिन अभी हम पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है। तो क्या होता है, जब भी किसी सोलर सिस्टम में किसी प्लैनेट की उसके सन से डिस्टेंस को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो सबसे जो इजिएस्ट वे होता है उसे हम यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक्चुअली हमारे लिए, हमारे अर्थ पे जो भी लोग हैं उनके लिए। अब क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस क्या होती है, तो हमारा जो सन है, सन से इसके जो प्लैनेट्स हैं वो अलग अलग डिस्टेंस पे क्या है, सिचुएटेड है, और मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, तो हमारी अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है ना, 1976 में से डिफाइन कर दिया गया, फिक्स वैल्यू जो दे दी गई 1.49 करके वैल्यू आई थी, 1.49 × 10^11 मीटर है ना, ये वैल्यू दी गई है, और ये जो वैल्यू होती है ये मतलब लगभग 1.49 है, तो इसे 1.5 मान सकते हैं, जिसको हम 15 करोड़ किलोमीटर कितना बोल सकते हैं, इसे नियरली हम इसे लिखते हैं 1.5 × 10^11 मीटर, या फिर 15 करोड़ किलोमीटर, ये जो डिस्टेंस होती है। तो हमने ये बता दिया कि यहाँ पे अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है उसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, 1 AU इसको कहा जाएगा, और 1 AU की जो वैल्यू होती है 1.5 × 10^11 मीटर होती है, 15 करोड़ किलोमीटर, और इसे एक यूनिट कहा गया है। अब मान लीजिए कि जो अगर कहा जाता है कि कोई जो प्लैनेट है वो हमसे 2 AU पर है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर पे हैं, तो 2 क्या हो जाएगा, 15 × 30 मतलब 30 करोड़ किलोमीटर दूर पर कोई दूसरा प्लैनेट है, तो उसके डिस्टेंस क्या है, 2 AU है ना। इसी प्रकार अगर हम किसी तीसरे प्लैनेट की बात करें, और हम बात करें कि 2.5 पर वो है, तो 2.5 क्या होगा, 37.5 किलोमीटर हो जाएगा है ना। तो ये जो चीजें होती हैं ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है 15 करोड़ किलोमीटर या 15 बिलियन, इसको हम बोलते हैं 15 बिलियन किलोमीटर डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं, करोड़ को बिलियन बोला जाता है। तो ये जो होता है, ये 15 करोड़ किलोमीटर जो डिस्टेंस होती है, बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन है ना, एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड 1 AU, और इसको ही हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस होती है ये 15 बिलियन किलोमीटर होती है, जो कि इससे अभी तो कम ही है, लेकिन अब हम बात करते हैं इससे भी बड़ी डिस्टेंस, हाँ, जो कि आपको यहां पर, आपको जो मैंने थंबनेल लगा था उसके अंदर बताया था, लाइट ईयर जो होता है वो उससे भी बड़ी यूनिट होती है, और ये जो यूनिट होती है इसे हम बोलते हैं द लॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस की जो सबसे बड़ी, मतलब बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, 1 पार्सेक होती है। 1 पार्सेक की वैल्यू क्या होती है, एक्चुअली 1 पार्सेक होता क्या है वो हम समझते हैं। तो क्या होता है, जो एंगल होता है, अगर आपने एंगल के बारे में पढ़ा है, तो एंगल जो होता है रेडियन के अंदर मेजर किया जाता है, ऐसा यूनिट जो होती है रेडियन होती है, और एक रेडियन कितनी होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो मान लीजिए कि आपने एक सर्कल लिया है ना, और सर्कल की रेडियस क्या है, यहां पर 5 सेंटीमीटर है, क्या है, 5 सेंटीमीटर है, सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और इसके जो सर्कमफेरेंस है, जो चाप है, इस पे भी हमने क्या ले लिया, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया। तो ये जो पोजीशन है ए और बी, ए बी मिलकर इस सेंटर पे जो एंगल यहाँ पे सस्पेंड करेंगे उसे बोलेंगे वन, हम 1 रेडियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं, याद रखना। अगर किसी भी सर्कल का जो भी रेडियस है उस रेडियस के इक्वल का अगर डिस्टेंस हम उसके सरफेस पे लेते हैं, उसके सर्कमफेरेंस पे लेते हैं, तो वो सर्कमफेरेंस पे जो आर्क है, वो आर्क जो भी सेंटर पे एंगल सस्पेंड करेगा उसे हम बोलते हैं 1 रेडियन, और ये जो वैल्यू होती है ये बहुत ही कम होती है ना। अब ये जो एंगल होता है बहुत छोटा होता है, और अगर मैं आपसे बात करूं कि 1 पार्सेक क्या होता है, तो ये मान लीजिए कि हमारा क्या हो गया, ये सन हो गया, और ये हमारी क्या हो गई, इसके अराउंड चक्कर लगाने वाली क्या हो गई, अर्थ हो गई। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस, ये हो गया सन और ये अर्थ हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस मैंने आपको बताया 15 बिलियन किलोमीटर, 15 बिलियन किलोमीटर 15 करोड़ किलोमीटर, और अगर इस 15 करोड़ किलोमीटर को हम ले एज ए आर्क है ना, तो ये जिस डिस्टेंस पे जाकर बनाएंगी 1 रेडियन का एंगल, मतलब ये If we take a 1 astronomical unit as a arc,
यदि हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को एज ए आर्क या हम यहां पर बात करें चाप की तरह लें, तो ये आर्क जो होता है जिस डिस्टेंस पे जाके, मतलब ये डिस्टेंस कहीं भी हो सकती है, जिस डिस्टेंस पे जाके 1 रेडियन का एंगल सस्पेंड करती है, उस 1 रेडियन का या उस डिस्टेंस को, मतलब ये सन से या अर्थ से उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, 1 PC बोलते हैं। और आप कहेंगे कि ये 1 PC की वैल्यू होती कितनी है, तो एक्चुअल जो 1 PC की वैल्यू होती है वो होती 10^16 रेशियो के अंदर, मतलब ऑर्डर के अंदर होती है, और ये होता है 3 पॉइंट, मतलब 1 PC जो होता है वो होता है 3.08 × 10^16 मीटर। और ये जो होता है ये 1 लाइट ईयर से कितनी डिस्टेंस में, 1 लाइट ईयर से कितनी गुना होता है, तो अगर हम बात करें कि 1 PC कितना होता है, तो 1 PC इज इक्वल टू होता है 3.262 लाइट ईयर, मतलब 3 साल और 3 महीने में, लगभग हम कह सकते हैं 3 साल 3 महीने में लाइट जितने डिस्टेंस पर गई होगी, उस डिस्टेंस पर अगर हम यहां पे सन से बात करें तो वहां पर अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस अगर आर्क लें तो वहां पर 1 रेडियन का एंगल सस्पेंड हो रहा होगा। 3 साल में लाइट यहां पहुंच रही होगी, सन की यहां से चली और 3 साल 3.2 ईयर्स में जिस डिस्टेंस पे पहुंच रही होगी, अगर अर्थ से भी उसी डिस्टेंस को हम यहां पर एक दूसरे से कनेक्ट कर दें तो ये जो एंगल यहां पे फॉर्म बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 पार्सेक बोलते हैं। और इस तरीके से जो 1 पार्सेक होता है, 1 PC जो है बिगेस्ट, क्या कहेंगे इसे, बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है और इसे ही दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कहते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा 1 लाइट ईयर को, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को और 1 पार्सेक को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगले वीडियो के लिए जय हिंद।